नेपाल एमबीबीएस एडमिशन अपडेट, क्योंकि नेपाल एमबीबीएस एडमिशन का लेकर जो 2020 में कब एडमिशन होगा, कब उनका एंट्रेंस एग्जाम होगा, क्या एंट्रेंस एग्जाम होगा कि नहीं होगा, इतना कंफ्यूजन है। या नीट के थ्रू एडमिशन हो जाएगा, या काठमांडू यूनिवर्सिटी का अलग एग्जाम होगा, बीपी कोडाला का अलग एग्जाम होगा, या त्रिभुवन यूनिवर्सिटी का अलग एग्जाम होगा। काफ़ी कंफ्यूजन पेरेंट्स का अंदर, फी स्ट्रक्चर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इतना कंफ्यूजन है। मैं आज नेपाल एमबीबीएस के बारे में पूरा अपडेट देना चाहता हूँ। नेपाल में कब एडमिशन होगा, क्या प्रोसीजर होगा, कैसे एडमिशन लेना नेपाल में, पूरा ए टू जेड अबाउट नेपाल एमबीबीएस मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट तक देखना, आपको सारे, अगर आप नेपाल के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, ये टू जेड अपडेट आपको मिल जाएगा नेपाल एमबीबीएस के लिए। एट द सेम टाइम यू ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट रिलेटेड टू एमबीबीएस अब्रॉड और स्टडी अब्रॉड। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुना मीडिया। आई एम लंबोदर, career advisor come study up your expert. Let's talk about Nepal MBBS admission 2020 update. काफ़ी पेरेंट्स का क्वेरीज है, सर नेपाल कब खुलेगा, नेपाल का बीपी कोडाला का एग्जाम कब होगा, आईओएम का एग्जाम कब होगा, काठमांडू यूनिवर्सिटी एंड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी का अलग अलग एग्जाम होगा, या कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा लाइक नीट, या नीट के थ्रू एडमिशन लेंगे, इतना कन्फ्यूजन है। फीस स्ट्रक्चर कम होगा या बढ़ेगा, तो सारे डिटेल्स अबाउट नेपाल मैं अभी अपडेट करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेपाल में जो लास्ट ईयर 2019 में जो एडमिशन हुआ था वो काफ़ी डिले हुआ था, जाके फरवरी में एडमिशन हुआ था बिकॉज ऑफ पैंडेमिक। इस बार भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जनवरी तक जाएगा कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेट्स से बीपी कोडाला का एंट्रेंस एग्जाम की आईओएम का एंट्रेंस एग्जाम, काठमांडू यूनिवर्सिटी एंड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जाम अलग से शायद ना होगा, इस बार कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होने का डिस्कशन चल रहा है। वेरी सून नेपाल गवर्नमेंट विल कम टू अस एंड गिव ए कंक्लूजन, यस इस बार जो है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कब होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बाय 15th of November सारे चीज़ें क्लैरिटी हो जाएगा। एक चीज़ और मैं बता दूँ, अगर नेपाल में कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा, अगर आप बीपी कोडाला के लिए भी एडमिशन लेना चाहते हैं आईओएम में, या काठमांडू मेडिकल कॉलेज, मणिपाल मेडिकल कॉलेज, लुम्बिनी मेडिकल कॉलेज की, नोबेल मेडिकल कॉलेज की, देवदा मेडिकल कॉलेज लाइक दिस, या त्रिभुवन यूनिवर्सिटी का अंदर भी इंडस्ट्रियल मेडिकल कॉलेज, नेशनल मेडिकल कॉलेज लाइक दिस, कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो तो हो जाएगा अगर आपका नीट क्वालिफाई है। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस बार जो है नीट के बेसिस में भी एडमिशन हो सकता है डायरेक्ट विदाउट गिविंग द कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। ये जो भी आपका ये कन्फ्यूजन है, एडुना आपको टाइम टू टाइम अपडेट करेगा नेपाल एमबीबीएस एडमिशन के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर नेपाल में एडमिशन लेना चाहते हैं या अभी प्लान कर रहे हैं तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, एडमिशन जरूर होगा। यू हैव टू कीप द पेशेंस, लास्ट मोमेंट तक एडमिशन होगा। एज यू नो, हर साल इंडिया का एमबीबीएस खत्म, काउंसलिंग खत्म होने के बाद ही नेपाल का शुरू होता है। इस बार भी ऐसे ही मैं उम्मीद कर रहा हूँ होने वाला है, कोई डिले नहीं है, वो सिलेबस मैनेज हो जाएगा क्योंकि सिलेबस कम कर लेंगे जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो इसीलिए डोंट वरी, कीप पेशेंस, क्योंकि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा नेपाल एमबीबीएस का लेकर। एंड जब आपको अपडेट आएगा, जब भी फॉर्म निकलेगा, चाहे कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का हो या बीपी कोडाला का सेपारेट या टीयू का, अगर अलग से एग्जाम का डिटेल्स आएगा, एडुना में आपको डेफिनेटली अपडेट करेगा टाइम टू टाइम। बट फी स्ट्रक्चर को लेकर जो नेपाल में आप लोगों का काफ़ी क्वेरीज या कन्फ्यूजन है, फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, मैं आपको बताऊं 2020 का किसी का फीस स्ट्रक्चर अभी तक अपडेट नहीं हुआ है एक्सेप्ट मणिपाल मेडिकल कॉलेज। नेपाल में जो मणिपाल मेडिकल कॉलेज है उनका जो पैकेज है काफ़ी ज़्यादा इस बार बढ़ा दिया है, 75 लाख INR में, इंडियन करेंसी में। तो इसीलिए डियर स्टूडेंट्स, मैं भी उम्मीद कर रहा हूँ फीस स्ट्रक्चर शायद बढ़ सकता है, कुछ कॉलेज का कम भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। तो इसीलिए नेपाल के लिए एग्जैक्ट फीस स्ट्रक्चर आया नहीं अभी तक, बट अगर नेपाल के लिए प्लान कर रहे हैं कैसे अप्लाई करना है, कौन सा कॉलेज में एडमिशन का क्या प्रोसीजर होगा, अगर आपने नीट एग्जाम दिया है क्या इस पर्टिकुलर कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन मेरा हो जाएगा, यस एडुना आपको डायरेक्ट एडमिशन करेगा ऑन द बेसिस ऑफ नीट स्कोर। तो ये सारे बातें अभी अगेन डिस्कशन मोड में है। वेरी सून गवर्नमेंट ऑफ नेपाल विल फाइनलाइज देयर डिसीजन फॉर द वेलफेयर ऑफ नेपाल एमबीबीएस एस्पिरेंट्स एज वेल एज इंडियन एमबीबीएस एस्पिरेंट्स के लिए। तो इसीलिए डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, बी काम, बी पेशेंस फॉर नेपाल एमबीबीएस एडमिशंस के लिए, आपका डेफिनेटली एडमिशन होगा। एज यू नो, एडुना इज द मार्केट लीडर फॉर नेपाल एडमिशंस, मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे थ्रू नेपाल में एडमिशंस लेते हैं। तो आपको अगर नेपाल में एडमिशंस लेना है तो यू नीड टू कीप पेशेंस, होल प्रोसीजर, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है,
पूरा ए टू जेड। एडुनम का ये हेल्पलाइन नंबर है, इसमें कॉल कीजिए, हम आपको गाइड करेंगे नेपाल का एडमिशन के लिए सारे चीज आपको। मैं एक चीज बता दूं, काफी स्टूडेंट्स का पेरेंट्स का क्वेश्चन आता है, मैं आपको कैसे बिलीव करूं, कैसे भरोसा करूं आप जेन्युइन हो कि नहीं है, मैं क्या पैसा दूं, आपको सारे अमाउंट कॉलेज के अकाउंट में देना है, नो नीड टू पे टू एडुनम। अगर आपका भरोसा नहीं है, ऑल्दो एडुनम 13 साल से काम कर रहा है, स्टिल यू डोंट हैव फेथ इन अस, कोई इशू नहीं है सर, वो आपका कंसर्न है, बट स्टिल हमने 13 साल से मेहनत करके आ रहे हैं बच्चे को हेल्प करने के लिए, बच्चे को सर्विस देने के लिए, आगे भी 13 साल तक ऐसे ही आपको हेल्प करेंगे। जो लोग ट्रस्ट करेंगे, जो लोग एडुनम को भरोसा करेंगे, उनके लिए बेस्ट सर्विस दे देंगे, ये मेरा गारंटी एंड प्रोमिज है। एट द सेम टाइम वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, एडुनम इज ऑलवेज जेन्यून एंड परमानेंट, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। स्टिल कोई कन्फ्यूजन व प्रॉब्लम्स है तो आप जो ट्यूशन फीस जो कॉलेज का अकाउंट में ही डालिए, कोई हमने कभी भी नहीं बोला हमको पैसा दीजिए, कॉलेज का अकाउंट में डालिए। प्रोसेस वेरी ट्रांसपेरेंट नेपाल में, बट डोंट डिले। नेपाल के लिए अगर एडमिशन चाहते हैं इमीडिएटली कॉल कीजिए, क्योंकि आप ये सोचेंगे अभी तो आप ये पूछ सकते ना, अभी तक तो शुरू ही नहीं हुआ नेपाल का काउंसलिंग, शुरू नहीं हुआ, कैसे एग्जाम होगा, तो कैसे आपको अभी सीट बुक करें। अगर वन सेकेंड आप बोल रहा हूँ, मैक्सिमम नेपाल का जो NRI कोटा होते हैं या फॉरेन नेशनल के लिए जो कोटा होता है ऑलमोस्ट फिलअप होने वाला है, तो इसीलिए वन सेकेंड आई एम रिपीटिंग यू, अगर आप नेपाल के लिए एडमिशन के लिए प्लान कर रहे हैं, डोंट डिले, इमीडिएटली एडुनम का हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए, हम आपको A to Z बताएंगे हाउ टू गेट एडमिशन इन नेपाल, होल प्रोसेस। दिस इज मोबाइल नंबर एज वेल एज व्हाट्सएप नंबर, इस पर कॉल कीजिए, हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे हाउ टू टेक MBBS एडमिशन इन नेपाल। सर थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। Kindly like, share and subscribe the channel and don't forget to press the bell icon.